हाय फ्रेंड्स, नेचर्स वे गोपीनाथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं प्लांटेड एक्वास्किपिंग अंडर 100 रुपीज, जो कि बिगनर फ्रेंडली एंड क्यूट होने वाला है। उसके साथ आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। आगे हम बाउल में मेरेन सेटअप भी करने वाले हैं, जो कि यूट्यूब हिंदी में फर्स्ट टाइम होगा। सब्सक्राइब के साथ आप बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, जैसे ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। चलिए शुरू करते हैं। प्लांटेड सेटअप के लिए कौन से चीज़ों की ज़रूरत होगी वो पहले हम जान लेते हैं। फर्स्ट थर्मोकोल सीट, नेक्स्ट टैंक, नेक्स्ट लाइट, नेक्स्ट हैंगन बैग फिल्टर, नेक्स्ट सॉयल, नेक्स्ट रॉक स्टोन, नेक्स्ट ड्रैफ्ट, नेक्स्ट टॉय ट्रेन एंड ट्रैक, नेक्स्ट प्लांट्स एंड लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज वाटर। पहले एक थर्मोकूल सीट लेंगे, इसको एक्वेरियम के नीचे रख देंगे। आप मैट का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक पुराना थर्मोकूल सीट था, उससे मैं इसको काटा है। नेक्स्ट मैंने एक 1.5 फीट बाई 1 फीट का टैंक लिया है। मैंने रिवर्स सॉइल यूज किया है, ना कि कोई कॉस्टली या ब्रांडेड सॉइल। इसको यूज करने से पहले अच्छी तरीके से धो ले, जब तक ये अच्छे से साफ ना हो जाए। अब हम इसको टैंक में डालेंगे। ये साइज के टैंक के लिए आप 1.5 इंच तक सॉइल डाल सकते हैं। और थोड़ा पानी डाल दें, जैसे कि सॉइल सेटल हो जाए। नेक्स्ट हम ट्रेन ट्रैक को सेट करेंगे। ये बहुत ही पुराना है, इससे मैं बचपन में खेलता था। ये ट्रैक टूट गया था, इसको मैं फेविक्विक से चिपका दिया हूँ। ट्रैक को डायरेक्ट सैंड के ऊपर ना रख के ब्लैक स्टोन के ऊपर रखें, इससे 3D लुक आएगा। मेरे पास तो ये पुराना था, आप स्टोर से ले सकते हैं। ब्लैक स्टोन से और ब्लैक ट्रैक मैचिंग करता है, इसीलिए आपको थोड़ा अच्छा लुक आएगा। नेक्स्ट अब हम ड्रिफ्ट वुड को सेट करेंगे। ये हमारे पास पुराना ड्रिफ्ट वुड था। DIY ड्रिफ्ट वुड आप कैसे बना सकते हैं, आगे इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट रॉक स्टोन, जो कि मैं रिवर्स से कलेक्ट किया था, उसमें से कुछ एक्वास्केपिंग में यूज करेंगे। नेक्स्ट अब हम प्लांटेशन करेंगे। जो लॉन्ग वेराइटी के प्लांट्स हैं उसको पीछे की तरफ और जो बूसी वेराइटी प्लांट्स हैं वो आगे की तरफ हम लगाएंगे। प्लांट को आराम से लगाना है, नहीं तो ब्रांचेस वगैरह का टूटने का चांस रहता है। टैंक में धीरे धीरे पानी भरेंगे। डायरेक्ट ना डाल के कोई भी एक पॉलिथीन डाल दें,
उसके ऊपर पानी डालें, नहीं तो सॉइल बिखरने का चांस रहता है। नेक्स्ट ट्रेन को ट्रैक में सेट कर देते हैं। उसके अंदर जो भी कुछ मोटर वगैरह था मैंने पहले ही निकाल दिया है। एंड अभी जो सिंबल वगैरह है इसको भी सेट कर देते हैं। लास्ट में लाइट एंड फिल्टर लगा देंगे। आप इसमें 9 वाट का बल्ब भी यूज कर सकते हैं, उससे इस ये प्लांट वगैरह का अच्छा ग्रोथ भी होता है। मैंने बहुत दिन पहले 9 वाट बल्ब का यूज किया था इस तरह एक प्लांटेड टैंक में, उससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिला था। जैसे कि पहले ही मैं आपको बोला था प्लांटेड एक्वास्केपिंग अंडर 100 रुपीज़ में हम करेंगे, मैंने जो एक्वास्केपिंग में यूज़ किया है उसका थोड़ा हिसाब कर लेते हैं। फर्स्ट सबसे कॉस्टली चीज़ सॉइल। हमने कोई ब्रांड का सॉइल यूज़ ना करके रिवर सॉइल यूज़ किया है तो यह हमारा फ्री में हो गया। नेक्स्ट ट्रेन ट्रैक एंड सिंबल्स, ये तो मेरे पास ऐसे ही पड़ा था जो कि काम में आ गया। आपके पास भी इस तरह कोई भी टॉय वगैरह है तो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टोन जो कि मैं रिवर्स से कलेक्ट किया था। नेक्स्ट ड्रिप वुड, ये भी पहले से मेरे पास था। आप DIY ड्रिप वुड बना के एक्वास्केपिंग में यूज़ कर सकते हैं, उसका वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। लास्ट में प्लांट्स, देखिए मैं आपको एवरेज प्राइस बोलूँगा क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग प्राइस रहता है। फर्स्ट एक्विनोडोरस कोरीफोलियस जिसको हमने पहले लगाया था, ये आपको 10 से 25 रुपीज़ तक मिल जाएगा। नेक्स्ट अमेजोन सोर जो कि हमने सेकेंड में लगाया था, ये आपको 5 से 20 रुपये तक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्रिप्टोकोरेन जिसको हमने थर्ड में लगाया था, ये आपको 10 से 25 रुपीज़ तक मिल जाएगा। नेक्स्ट सैगिटेरिया जिसको हमने लास्ट में लगाया था, ये आपको 5 से 15 रुपीज़ तक मिल जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था एरिया वाइज प्राइस वेरी करता है। आपका अगर कोई सजेशन है या डाउट्स है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये सेम वीडियो बहुत जल्द ओडिया लैंग्वेज में भी अपलोड होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो मिलते हैं कभी ना कभी स्क्रॉल करते वक्त।